नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में बताया था पौने की चाल के वीडियो दिखाया था, ये पौने का चाल का डाढ़ा कैसे बांधते हैं। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, जैसे कि देख सकते हैं इस हिसाब से अगर कहीं दोस्तों चुनाई आप लगा रहे हैं तो इसमें हमारा डेली लगा हुआ है, डेली वाला डाढ़ा कैसे बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो को बनाया हूँ, तो वीडियो पूरा देखें। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं एक लंबा ईंट हमारा ये लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पे, और बीच में गैप है वहाँ डेली लगा हुआ है, बाकी इसी तरीके से लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा मेन पड़ाव है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ नीचे 13 इंची का लगा हुआ है तो ये सेंटर में 9 इंची का यहाँ लगाया हुआ है। तो इसका दाढ़ा दोस्तों हम बना के दिखा रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों और आप समझें। तो सबसे पहले अच्छी तरीके से मसाले को बिछा लेंगे इसके ऊपर। मतलब बिल्कुल बराबर मसाले को बिछाना है, हर एक राधा में जो है मतलब बराबर मसाला रखना है। तो पहला हमारा ईंटा जो होगा हम ऐसे रख देंगे यहाँ पे, मतलब हमारा ये बीच में डेली लगा हुआ है तो यहाँ हमारा जोड़ कट गया, और यहाँ पे भी मतलब कि यहाँ पे डेली देना है तो यहाँ पे भी गैप रखना है, और एक ईंट यहाँ रख देंगे मतलब इसी ईंट में मिला के यहाँ पे, और उसके आगे एक ईंट हम यहाँ रख देंगे ऐसे, और दूसरा ईंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और बीच में जो गैप बचा है इस तरीके से डेली काट लेना है दो, और यहाँ पर डाल देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा यहाँ जोड़ कट चुका है, यहाँ भी जोड़ कट चुका है, यानी कि हमारा साबुत ईंट यहाँ पे था तो एक ईंट हम यहाँ रखे बीच में, ये डेली लग गया, और एक ईंट आगे इधर के दाढ़े के लिए हम निकाल दिए हैं। अब यहाँ हम यहाँ और यहाँ तीन जगह साहुल करेंगे, यानी कि एक जगह तो हमारा ये हो गया तो साहुल, जैसे कि देख सकते हैं हर एक ईंट में यहीं से हमारा मेन पड़ाव है, क्योंकि नीचे वाला जो ईंट है वो मिनती का है, मतलब इसी से हम पूरा ऊपर तक चुनाई करते जाएंगे और इसी ईंट से साहुल करेंगे। और दूसरा हमारा यहाँ हो गया साल, और तीसरा हम यहाँ कर लेंगे साहुल, तभी जाके ये जो नुकर बनता जाएगा बिल्कुल सीधा बनता जाएगा, और यहाँ साल की डोरी मिला के और यहाँ पे ऐसे सीधा कर लेंगे इसको। और एक्चुअली हमारा वहाँ पर ठेहा बन चुका है, सूत भी बन चुका है हमारा, यहाँ से हम सूत मिलाएंगे ऐसे जैसे कि देख सकते हैं, और ये आगे वाला ईंट जो है इसको मतलब कि थोड़ा सा गैप दे देंगे यहाँ पे, मतलब मिला लेंगे सूत में, और इसको अच्छी तरीके से खींच के और बांध देंगे। दोस्तों ये भर नहीं रहे हैं, जैसे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारे दीवार के ऊपर अच्छी तरीके से मसाला बिछ चुका है, मतलब कि उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से कैसे बिछाते हैं तो जैसे कि देख सकते हैं कांडी को इस तरीके से बिल्कुल बराबर मतलब दबा के रखना है कांडी, मतलब इस तरीके से, और मसाला ये 9 इंच दीवार के लिए 6 का मसाला है, और ईंट भी जैसे देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से तराई है हमारा, और 9 इंच दीवार के लिए बिल्कुल 9 इंच दीवार पे बिल्कुल बराबर मसाला बिछाना है, पूरा प्रॉपर 9 इंच मसाला, ये ना दोस्तों आप कम मसाला बिछाएं तभी हमारा दीवार जो है उबड़ खाबड़ ईंटा होने लगेगा, तो ऐसे गलती ना करें। और इस तरीके से कांडी को ऐसे कर देना है, तो जैसे कि देख दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा मसाला जो है वो बिछ चुका है, और मतलब हम अब तेजी में इसको फटाफट हम लगाते जाएंगे सूत में मिला मिला के अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं पहले बताना चाहूँगा जो मतलब एक ईंट हमारा ऐसे लगा है और बीच में डेली, और एक ईंट ऐसे घुमा हुआ है, तो हमारा जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से इधर का दाढ़ा भी बन गया और इधर का चाल भी बन गया है। तो इसके ऊपर हम फिर इस प्रकार से इसका
जोड़ काटते हैं तो अच्छी तरीके से फिर मसाले को रख लेंगे और बिल्कुल बराबर यहाँ पे मसाले को बिछाएंगे। हरे कराधा में बराबर मसाले को बिछाना है, ये ना दोस्तों जब आप कभी इस राधा में मोटा कर दे तो उस राधा में पतला कर दे तो हमारा चुनाई है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक ईंट हम यहाँ रखेंगे इस नुकर में मिला के यहाँ पे, और दूसरा जो ईंट होगा यहाँ आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ डेली डाले हुए थे तो फिर हमारा एक डेली यहाँ आ गया फिर, और एक ईंटा हम यहाँ रख देंगे इधर के चाल के लिए, और बीच में जो गैप बचा इसमें इस तरीके से डेली काट लेना है और यहाँ रख देंगे। मतलब डेली जो भी रखना है मतलब बिल्कुल बराबर रखना है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से हमारा कोना बन गया। अब फिर यहाँ तीन जगह साहुल करेंगे, नीचे वाला ही ईंट से करेंगे, फिर एक तो यहाँ करेंगे बिल्कुल करेक्ट करना है जैसे कि देख सकते हैं, और एक जगह यहाँ कर लेंगे और एक जगह यहाँ कर लेंगे, और साहुल की डोरी से मिला के अच्छी तरीके से इसको सीधा कर लेंगे यहाँ पे। इसका दर्द दोस्तों भरे नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए, और यहाँ से सूत मिलाएंगे क्योंकि यहीं से हम साहुल किए हैं, और ये आगे वाला जो ईंट है इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे अच्छी तरीके से जैसे कि देख सकते हैं यहाँ हम साहुल किए थे तो आगे वाला ईंट को बिल्कुल सही कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में अच्छी तरीके से खींच के और बांध देंगे इसको। एक्चुअली वहाँ हमारा ठेहा एक्चुअली बन चुका है, और दूसरी बार में हमारा इस तरह से चाल था, और तीसरी बार में दोस्तों हम ठेहा बांध के फिर दिखाते हैं। तो अच्छी तरीके से मसाले को फिर बिछा लेंगे यहाँ पे, और ये जो नुकर है यहाँ अच्छी तरीके से मसाला बिछाना, ये बिल्कुल बराबर रखना है, नहीं तो जो हम आगे इस पे ईंट निकालेंगे तो मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बिछ चुका है। और एक या ईंट यहाँ पे रखेंगे इस नुकर में मिला के यहाँ पे, और फिर यहाँ हमारा गैप हुआ इसमें डेली डालेंगे यहाँ पे, और ये जो मुँह है वो बिल्कुल बराबर रखना है। और इस तरीके से दो डेली काट के और इसमें रख देना है यहाँ पे। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा जोड़ है वो कट चुका है, इधर भी दिखाना चाहूँगा और इधर भी दिखाना चाहूँगा। और फिर यहाँ तीन जगह हम साल करेंगे इसमें, एक तो यहाँ करेंगे, दूसरा जो होगा हमारा यहाँ इस नुकर में हो जाएगा, साहुल बिल्कुल करेक्ट करना है तभी जाके ये नुकर बिल्कुल हमारा सीधा जाएगा ऊपर तक, और एक यहाँ कर लेंगे। उसके बाद में साल की डोरी से मिला के और जो अंदर अंदर बाहर है इसको बिल्कुल सही कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ से सूत को मिला के बिल्कुल अच्छी तरीके से और खींच के और बांध लेंगे यहाँ पे, और फिर आगे चुनाई हम लगाते जाएंगे। इधर दिखाना चाहूँगा जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा जोड़ कटी जा रहा है। तो आई होप कि दोस्तों हम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।